हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना ऑप्टिक्स के अंदर चल रहा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अपन ने इसका पथांतर निकाल लिया था। पथांतर आया था अपना 2d cos थीटा माइनस लैम्डा बाई 2, ये आया था पथांतर। इसको देखा था संपुष्टि के लिए, देखा था तो ये आ गया था अपना 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमडा। विनाशी के लिए देखा था, विनाशी के लिए आया था अपना 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। संपोषी में बन रही थी अपनी दीप्त फ्रिंजे, विनाशी में बन रही थी अदीप्त फ्रिंजे। फिर अपन ने जो फ्रिंजे बन रही थी उन फ्रिंजों की व्याख्या पढ़ ली थी, फ्रिंजों की त्रिज्याएं निकाल ली थी। आज पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसके अनुप्रयोग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अनुप्रयोग। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है इसके अनुप्रयोग। इसमें पहला लिखो एकवर्णी प्रकाश का तरंग धैर्य ज्ञात करना। एकवर्णी प्रकाश का तरंग धैर्य ज्ञात करना, प्रकाश का तरंग धैर्य ज्ञात करना। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये वाला जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है उसकी वेवलेंथ याद करना। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ मैं। ये था आपका उत्तल लेंस, यहाँ था आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से क्या हो रहा था, प्रकाश किरणें आ रही थी यहाँ से समांतरित हो रही थी। समांतरित प्रकाश किरण जा रही थी एक हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से। आगे थी आपकी कंपनसेशन प्लेट, समान मोटाई समान अपवर्तनांक वाले पदार्थ, ये कंपनसेशन प्लेट। ये क्या काम कर रही थी, प्रकाशीय पथों को बराबर कर रही थी। इधर था आपका दर्पण M2, इधर था आपका, ये तो था M1, जो क्या था गतिशील था। ये था आपका M1, इधर
ये था एम टू जो क्या था फिक्स था, ये था एम वन जो गतिशील था। अब अपने पास क्या हो रहा था, यहाँ पर एम टू का प्रतिबिंब बन रहा था, एम टू का प्रतिबिंब, एम टू का प्रतिबिंब था एम टू डेस, ये था आपका एम वन और ये थी डी मोटाई, ये थी डी मोटाई। प्रकाश किरण यहाँ आई, बिंदु ओ पर आयाम का विभाजन से आदि किरण इधर गई, आदि किरण एम वन की तरफ गई, ये किरण वन है, ये किरण टू, किरण टू जाएगी एम टू से टकराएगी और वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ये एम वन पर जाएगी, एम वन से टकराएगी, वापस आ जाएगी। यहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंज बन, व्यतिकरण फ्रिंजे बन रही थी, यहाँ पर उन फ्रिंजों को देख रहे थे टेलीस्कोप से। ये था आपका सोर्स, ये लेंस, ये प्लेट पी, ये कंपनसेशन प्लेट पी, ये था। अब मान लो यहाँ अदीप्त फ्रिंज बन, अदीप्त फ्रिंज बन रही है, दीप्त फ्रिंज बनेगी तो क्या प्रतिबिंब बिंब होगा, सॉरी दीप्त फ्रिंज बनेगी तो आपका ये वाला प्रतिबिंब होगा, प्रतिबंध होगा, दीप्त फ्रिंज के लिए ये वाला प्रतिबंध, अदीप्त फ्रिंज के लिए ये वाला प्रतिबिंब, ये प्रतिबंध, प्रतिबंध दीप्त फ्रिंज के लिए, ये प्रतिबंध अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब मान लो यहाँ अदीप्त फ्रिंज बन रही है, यहाँ ये फ्रिंजे बन रही है, ठीक है, ये फ्रिंजे बन रही है, इसके लिए प्रतिबंध लिख लिया, इसके लिए प्रतिबंध आ गया, अदीप्त लेते हैं तो 2d cos theta इज इक्वल टू n लैम्डा, cos theta को 90 जीरो मान ले तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2d इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये गतिशील है तो इसको खिसकाएंगे इधर या इधर, जो गतिशील है गतिशील मिरर उसको या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों तरफ खिसका सकते हैं, इसको एक्स विस्थापित करेंगे। अब इसको विस्थापित करेंगे तो यहाँ जो फ्रिंजें बन रही हैं वो भी विस्थापित हो जाएगी, जब दर्पण एम वन को विस्थापित करेंगे तो जो अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं वो भी विस्थापित हो जाएगी। विस्थापित कैसे, जैसे अब यहाँ है तो और आ जाएंगी, और आ जाएंगी, विस्थापित हो जाएंगी, तो इसको एक्स विस्थापित करता हूँ तो यहाँ पर एन फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, इसको एक्स विस्थापित करता हूँ तो यहाँ एन फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, तो जो नया प्रतिबंध आएगा वो आएगा 2d, यानी d की जगह d प्लस एक्स हो जाएगा, d की जगह d प्लस एक्स, तो नया प्रतिबंध, प्रतिबंध आ गया 2d प्लस एक्स इज इक्वल टू एन लेमड़ा है, तो एन तो फ्रिंजों की संख्या थी, अब विस्थापन और हो गया तो कितना हो गया, एन विस्थापन हो गया, एन प्लस एन लेमड़ा, ये आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और दो में से एक घटाएंगे और लेमड़ा का मान निकालेंगे, इसमें लिखो, इसमें लिखो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी को, माइकलसन व्यतिकरण मापी को अभीष्ट प्रकाश स्रोत पर रखकर, अभीष्ट
प्रकाश स्रोत पर रखकर सकेंद्रीय फ्रिंजों के लिए व्यवस्थित करते हैं, सकेंद्रीय फ्रिंजों के लिए व्यवस्थित करते हैं। बिंदु ओ पर या अर्धरज्जित कांच की प्लेट, अर्धरज्जित कांच की प्लेट के बिंदु ओ पर, के बिंदु ओ पर अर्धरज्जित कांच की प्लेट के बिंदु ओ पर बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को, बनी व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी से देखने पर, दूरदर्शी से देखने पर अदीप्त तथा दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए प्रतिबंध। देखो इसमें दोबारा से देख लेते हैं, इसको व्यवस्थित कर दिया। यहाँ मान लो फ्रिंजें बन रही है, ठीक है, फ्रिंजें बन रही है तो प्रतिबंध ले लिया किसका, अदीप्त का। दीप्त का भी ले सकते हैं, अदीप्त का इजी है क्योंकि 2D cos theta n lambda है, तो अदीप्त का प्रतिबंध ले लिया। अब क्या किया, इस दर्पण M1 को एक्स दूरी पर विस्थापित किया। विस्थापित आप इधर भी कर सकते हैं, विस्थापित आप इधर भी कर सकते हैं, यानी ये जो दर्पण है ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसको एक्स दूरी पर विस्थापित किया तो यहाँ जो फ्रिंजे हैं वो एन फ्रिंजे विस्थापित हो गई, एन फ्रिंजे विस्थापित हो गई, तो उसके लिए प्रतिबंध दिया आया। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, दो में से एक घटाएंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा। प्रतिबंध आ गया अपना दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध। दीप्त फ्रिंज के लिए आ गया अपना 2D cos theta, 2D cos theta इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लेमड़ा। यहाँ 2D cos theta इज इक्वल टू एन लेमड़ा। अब थीटा का मान है वो आपका 0 हो, थीटा 0 तब कोस थीटा 1, थीटा का मान 0 हो तब कोस थीटा 1 दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध क्या हो गया, और अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध क्या हो गया आपका 2D एन प्लस 1/2 लेमडा। ये हो गया 2D एन लेमडा, ये हो गया। अब लिखो दर्पण M1 को इसको समीकरण 1 दे लो, इसको समीकरण 2 दे लो। दर्पण M1 को x दूरी पर विस्थापित करने पर, दर्पण M1 को x दूरी पर विस्थापित करने पर दूरदर्शी में
दूरदर्शी से देखने पर एन फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। अब ये विस्थापित कैसी होती हैं ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब देखोगे। जैसे मैं बता देता हूँ, ये केंद्रीय फ्रिंज है, चमकीली है, तो इसमें अनंत होता है, तो फ्रिंजों का अनंत होता है, वो अंदर होता है, अनंत अंदर होता है, अनंत अंदर होता है। मतलब जब ये पैटर्न आप टेलीस्कोप से देखोगे और विस्थापित करोगे तो जो नई फ्रिंजें इधर से तो आएंगी, बाहर से आएंगी और इसके अंदर जाती जाएंगी। जैसे मान लो पहले आपका जो टेलीस्कोप है उसका क्रॉस सेक्शन, उसमें जो आईपीस है, उस आईपीस को अपन ने यहाँ फिक्स कर रखा है। अब दर्पण को घुमाऊँगा तो ये फ्रिंज यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, तो अंदर गायब होती जाएगी, यहाँ अनंत पे गायब होती जाएगी, नई फ्रिंजें आती जाएंगी। तो एक्स दूरी पर किसका आया तो नई फ्रिंजें आएंगी, तो वो नई फ्रिंजें कितनी आ गई, एन फ्रिंजें विस्थापित हो गई, यानी एन फ्रिंजें अंदर चली गई अनंत की ओर, एन फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं। तब दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, और अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध आ जाएगा आपका 2 d + x = n + n 1/2 λ। ये हो जाएगा आपका 2 d + x n + n λ। ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 4 हो गई, समीकरण 3 और 4 आ गई। अब क्या करें, या तो एक में से 3 घटा दो, सॉरी 3 में से 1 घटा दो, 3 - 1 कर लो, या 4 - 2 कर लो, समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटा दो, या समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटा दो। तो मैं घटाता हूँ, ये इजी पड़ेगा। तो समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाने पर इक्वेशन दो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2d + 2x, ओपन कर लिया, इसमें से घटाएंगे 2d = इसको कर लिया n λ + n λ - n λ, ये कैंसिल आउट 2d से 2d, तो यहाँ आ गया आपका 2x = n λ, ये आ गया, ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया अपना 2x = n λ। अपन को ज्ञात क्या करना है, एकवर्णीय प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य है, तो लेमडा हो गया आपका 2x / n, दूरदर्शी से n का मान पता चल जाएगा, गिन लेंगे कितनी फ्रिंजें विस्थापित हुई, दूरदर्शी से n का मान पता चल जाएगा, और जो आपका मिरर 1 था
वहाँ पर स्क्रू गेज लगा हुआ होता है, तो उस स्क्रू गेज से एक्स का मान गिन लेंगे, कितनी दूरी निकाल लेंगे, दूरी को इस समीकरण में रख के लेमड़ा का मान निकाल लेंगे। तो इसमें लिख लो, दूरदर्शी से एन का मान दूरदर्शी से एन का मान तथा M1 पर लगे स्क्रू गेज से x का मान निकालकर उपरोक्त सूत्र में रखकर एकवर्णी प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं। एकवर्णीय प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं यानी यहाँ x का मान निकाल लेंगे, जो M1 दर्पण है उसके स्क्रू गेज लगा है उससे, और n का मान दूरदर्शी से निकाल लेंगे। ये दोनों मान फॉर्मूले में पुट करके लेमड़ा का मान निकालेंगे। ये आ गया आपका पहला एप्लीकेशन। दूसरा लिखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया अपना 2x = n λ। दूसरा एप्लीकेशन है, दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना कि तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना। लाइट सोर्स यहाँ से ये समांतरित जाएंगी कांच की हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट पी पर, कंपनसेशन प्लेट
समान मोटाई समान पदार्थ, यह आपका दर्पण, यह आपका M1, M2। यहाँ पर बिंदु O, टेलीस्कोप लेंस सोर्स प्लेट P, कंपनसेशन प्लेट C, M2, M1 और यहाँ पर बनेगा M2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर जो सोर्स है, यहाँ पर जो सोर्स है उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उनकी मान लो दो तरंग दैर्ध्य हैं, दो तरंग दैर्ध्य, दो तरंग दैर्ध्य हैं जो आपका सोर्स है, सोर्स की जो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उनके दो तरंग दैर्ध्य हैं और उन दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना है। दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी वेवलेंथ का डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी ये जो सोर्स है इसकी स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उन लाइनों के दो तरंग दैर्ध्य होंगे, उन दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर फ्रिंजें बन रही हैं, ये फ्रिंजें कब बनेगी, ये फ्रिंजें बनेगी जब M1 को किस कहेंगे, जब M1 को सेट करेंगे कौन सी वाली कंडीशन में, सकेंद्रीय फ्रिंजें, जब कल पढ़ा था अपन ने फ्रिंजों की व्याख्या, थीटा का मान जीरो और डेल इसका मान जीरो, यानी M1 को फिक्स करके, M1 को व्यवस्थित करके सकेंद्रीय फ्रिंजें बनाते हैं, M1 को फिक्स करके सकेंद्रीय फ्रिंजें बनाते हैं, ये वाली कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, M1 को किस कहेंगे, M1 को किस कहेंगे, यानी यहाँ पर ये फ्रिंज आ गई आपकी, M1 को किस कहा, या तो इधर किस कह लो या इधर किस कह लो, इधर किस कह सकते हैं, इधर किस कह सकते हैं, M1 को किस कहा, तो क्या होगा जैसे 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 किस कहेंगे, जैसे जैसे किस कहेंगे इनकी तीव्रता कम होती जाएगी, इन फ्रिंजों की तीव्रता कम होती जाएगी, जिस मान लो इधर किसका रहे हैं, तो जैसे जैसे किसकाएंगे इनकी तीव्रता कम होती जाएंगी, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी ये फ्रिंजें बिल्कुल गायब हो जाएगी, ये फ्रिंजें बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब ये मान लो यहाँ पर इस स्थिति पर ये बिल्कुल गायब हो रही है, फिर आगे और किसकाया, तो धीरे धीरे ये फ्रिंजें दिखना स्टार्ट होंगी, ये फ्रिंजें दिखना स्टार्ट होंगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे स्पष्ट फ्रिंजें पहले बन रही थी, जैसी स्पष्ट फ्रिंजें पहले बन रही थी वैसी ही स्पष्ट फ्रिंजें बनने लग जाएंगी, जैसी स्पष्ट फ्रिंजें पहले बन रही थी वैसी ही स्पष्ट फ्रिंजें बनने लग जाएगी। दोबारा देखो, ये प्रकाश स्रोत है, इस स्रोत की जो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उन स्पेक्ट्रल लाइनों की वेवलेंथ अलग अलग है, यानी यहाँ पर दो स्पेक्ट्रल लाइनें ले लो, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। अब उन वेवलेंथ का अंतर ज्ञात करना है, उन जो उन तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात करना है, तो क्या हुआ, ये अपन ने सकेंद्रीय फ्रिंजें बनाई, सकेंद्रीय फ्रिंजें कैसे बनेगी, जब ये आपका M1 और ये आपका M2 डैश
बिल्कुल पैरेलल हो, बिल्कुल पैरेलल हो, यानी थीटा का मान जीरो और इनका अंतर जो लंबाई है डी, ये डी या जो वायु की फिल्म है डी, इसकी मोटाई हर जगह समान हो, इसकी मोटाई हर जगह समान हो, तो आपकी ये सकेंद्रीय फ्रिंजे बनेगी। ये मान लो आपका दर्पण है M1, यहाँ पर ये सकेंद्रीय फ्रिंजे बन रही है, ये आपका M2। अब क्या करेंगे, इसको किसकाएंगे, इधर भी किसका सकते हैं, इधर भी किसका सकते हैं, जैसे जैसे इसको किसकाएंगे वैसे वैसे इनकी तीव्रता कम होती जाएगी, जैसे जैसे इसको किसकाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी, यानी एक बिंदु ऐसा आएगा वहाँ तीव्रता बिल्कुल दिखाई नहीं, गायब हो जाएगी, तीव्रता जीरो हो जाएगी, इन फ्रिंजों की तीव्रता जीरो हो जाएगी, यानी ये फ्रिंजे गायब हो जाएंगी। उससे और आगे खिसकाएंगे तो ये फ्रिंजे दिखना स्टार्ट होगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पहले जैसी स्पष्ट फ्रिंजे बन रही थी, जैसी यहाँ स्पष्ट फ्रिंजे बन रही हैं, वैसी ही स्पष्ट फ्रिंजे दिखाई देने लग जाएगी। तो लिखो इसमें, इसमें लिखो प्रकाश स्रोत द्वारा या प्रकाश स्रोत द्वारा अर्धरज्जित कांच की प्लेट पी पर, अर्धरज्जित कांच की प्लेट पी के बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर फ्रिंज प्रतिरूप ओ पर दर्पण M1 द्वारा, दर्पण M1 द्वारा फ्रिंज प्रतिरूप, फ्रिंज प्रतिरूप व्यवस्थित किया, फ्रिंज प्रतिरूप व्यवस्थित किया, प्रकाश स्रोत की दो स्पेक्ट्रल लाइनें, दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं, दो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के संगत, रेखाओं के संगत दो तरंग धैर्य, दो तरंग धैर्य लेमड़ा वन व लेमड़ा टू है। अतः दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, अतः दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध कब, जब थीटा, थीटा हो आपका जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू, एक तो जाएगा n1 वन प्लस वन बाई टू लेमडा वन, एक तो ये हो गया, दूसरा 2d n2 टू प्लस वन बाई टू लेमडा टू, दोनों 2d के बराबर हैं, तो मैं इसको भी यहीं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका n2 टू प्लस वन बाई टू लेमडा टू, इसको समीकरण एक दे लो। इसको एक दे लिया, अब लिखो इसमें
लिखो माइक्रोमीटर की सहायता, स्क्रू गेज की सहायता से दर्पण M1 पर लगे, दर्पण M1 पर लगे स्क्रू गेज की सहायता से, स्क्रू गेज ये तो पढ़े होंगे ना, वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज या माइक्रो, जो माइक्रो होता है यानी बहुत स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, स्क्रू गेज लिख लो आप। तो दर्पण M1 पर लगे स्क्रू गेज की सहायता से दर्पण M1 को विस्थापित करते हैं, तो विस्थापित करते हैं तो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है, कम होती है। दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है तथा M1 को और विस्थापित करने पर, और विस्थापित करने पर तीव्रता जीरो हो जाती है, तीव्रता शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। अर्थात फ्रिंजें गायब हो जाती है, अर्थात दीप्त फ्रिंजें गायब हो जाती है, दीप्त फ्रिंजें गायब हो जाती है। या तीव्रता शून्य हो जाती है, यही कर लो आप, तो तीव्रता शून्य होगी। दर्पण M1 को और विस्थापित करते हैं, दर्पण M1 को और विस्थापित करते हैं तो फ्रिंजों की तीव्रता बढ़ती है, फ्रिंजों की तीव्रता बढ़ने लगती है फ्रिंजों की तीव्रता बढ़ने लगती है तथा फ्रिंजे पहले की तरह स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, तथा फ्रिंजे पहले की तरह स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। फ्रिंजे पहले की तरह दिखाई देने लग जाती है। ये तो दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध था,
अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध भी लिख लो यहीं, अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध वो क्या हो जाएगा आपका 2d एन वन लेमडा वन इज इक्वल टू एन टू लेमडा टू। रहने दो इसको, ये हो गया। यहाँ तक लिखो, अपन ने क्या किया, अपन ने प्रकाश स्रोत द्वारा अर्धरज्जित कांच की प्लेट के बिंदु O पर दर्पण M1 द्वारा फ्रिंज प्रतिरूप व्यवस्थित किया। सबसे पहले जो फ्रिंज प्रतिरूप है उसको व्यवस्थित किया। अब दो स्पेक्ट्रम में रेखाओं के संगत तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 है, दो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं जिनके संगत तरंग दैर्ध्य λ1 व λ2 है, अतः दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध ये हो गया। ये तो हो गया आपका दीप्त फ्रिंज प्रतिबंध, और अदीप्त फ्रिंज प्रतिबंध क्या हो गया, वो हो गया आपका 2d n1 λ1 इज इक्वल टू 2d n2 λ2। अब दर्पण M1 पर लगे स्क्रू गेज, दर्पण M1 पर लगे स्क्रू गेज की सहायता से दर्पण M1 को विस्थापित करते हैं तो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती है। दर्पण M1 पर लगे स्क्रू गेज की सहायता से उसको विस्थापित करते हैं तो जो फ्रिंज प्रतिरूप है उसकी तीव्रता कम होने लगती है। अब एक स्थिति ऐसी आती है तीव्रता शून्य हो जाती है, मतलब फ्रिंज गायब हो जाती है, और अधिक विस्थापित करोगे तो क्या हुआ, और अधिक विस्थापित करोगे तो धीरे धीरे फ्रिंजें दिखाई देने लगती हैं, और विस्थापित किया तो फ्रिंजें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। अतः प्रतिबंध, अतः प्रतिबंध क्या हो जाएगा, x दूरी पर विस्थापित किया, ये दूरी x है तो पथांतर क्या हो गया 2x, ये हो गया आपका 2x n लेमडा 1 और n प्लस 1 लेमडा 2, ये हो गया। यहाँ से एक समीकरण होगी आपकी 2x n लेमडा 1, दूसरी होगी 2x n प्लस 1 लेमडा 2, ये हो गया। यहाँ ये प्रतिबंध आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से ये घटा दो, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका n लेमडा 1, या ये आ गया n लेमडा 1 n प्लस 1 लेमडा 2, ये आपने अपन ने प्रतिबंध ले लिया तो ये हो जाएगा आपका n लेमडा 1 n लेमडा 2 प्लस लेमडा 2। इसको ले आए, n कॉमन ले लिया, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब n का मान, n क्या है, जहां n विस्थापित फ्रिंजों की संख्या है, फ्रिंजों की संख्या। अब विस्थापित फ्रिंजों की संख्या क्या होती है, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या n, तो n हो जाएगा आपका 2x अपॉन लेमडा भी कौन सा 1, ये हो जाएगा आपका n 2x अपॉन लेमडा 1, 2x अपॉन लेमडा 1।
एन का मान पुट कर दो, लेमडा वन माइनस लेमडा टू, लेमडा टू यहाँ एन है तो एन का मान पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा टू टू एक्स लेमडा वन, ये आ गया लेमडा वन लेमडा टू, लेमडा वन लेमडा टू टू एक्स, ये आ गया अपने पास। यदि लेमडा वन व लेमडा टू अंतर बराबर हों, लगभग बराबर हों, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उनका अंतर लगभग बराबर हो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का रेखाओं के तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर हो, तब जो लेमडा वन है वो लगभग बराबर है लेमडा टू, तो यहाँ और ये बराबर है लेमडा, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा वन माइनस लेमडा टू लेमडा स्क्वायर अपॉन टू एक्स, ये हो गया। ये हो गया इसमें लिखो सोडियम प्रकाश की दो स्पेक्ट्रम में रेखाओं का तरंग दैर्ध्य दो स्पेक्ट्रम में रेखाओं का तरंग दैर्ध्य 58-90 एंगस्ट्रॉम 5,890 एंगस्ट्रॉम व 5,896 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम 10^-10 बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम होता है जिनके मध्य बहुत कम अंतर, जिनके मध्य बहुत कम अंतर कितना 6 एंगस्ट्रॉम है, अंतर बहुत कम है, अतः प्रयोगशाला में सोडियम प्रकाश को एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं, अतः प्रयोगशालाओं में या अतः सोडियम प्रकाश को अतः सोडियम प्रकाश को सोडियम प्रकाश को एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में सोडियम प्रकाश स्रोत को एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं। सोडियम प्रकाश की दो स्पेक्ट्रम में रेखाओं का तरंग दैर्ध्य 5,890 एंगस्ट्रॉम व 5,896 एंगस्ट्रॉम होता है जिनके मध्य बहुत कम अंतर 6 एंगस्ट्रॉम होता है, अतः सोडियम प्रकाश को जो सोडियम प्रकाश स्रोत है उसको एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में लेते हैं। जो लैब होती हैं उनमें ज़्यादातर सोडियम लैम्प ही मिलता है, आपके सेकेंड ईयर में ये पीजी में एक्सपेरिमेंट है वहाँ भी सोडियम लैम्प ही है। अब लिखो तीसरा,
तीसरा है और लास्ट एप्लीकेशन है पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई व अपवर्तनांक ज्ञात करना। पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई व अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक ज्ञात करना पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई व अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसमें लिखो जो पतली पारदर्शी फिल्म है उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए उस फिल्म को जो प्रतिकारी प्लेट है और जो दर्पण M2 है उनके बीच में रख देंगे, यानी यहाँ से ये दूसरी प्रतिकारी प्लेट ये M2, तो यहाँ पर जिस फिल्म की मोटाई ज्ञात करनी है उसको यहाँ रख दिया। पथांतर कितना हो जाएगा म्यू माइनस वन टी, एक टाइम पथांतर ये हो गया ना, एक बार जाएगी तो पथांतर ये आ गया, अब दोबारा वापस लौट के आएगी तो इतना ही और आ जाएगा, तो पथांतर कितना हो गया टू म्यू वन टी वन। इसमें लिखो पतली पारदर्शी फिल्म की मोटाई ज्ञात करने के लिए उसे प्रतिकारी प्लेट व दर्पण M2, दर्पण M2 के मध्य रखते हैं, M2 के बीच में रखते हैं, M2 के बीच में रख दिया, ये मान लो M2 के बीच में रख दिया, अब एक बार तो जाएगी M2 से टकरा कर वापस आएगी, तो पथांतर कितना हो गया म्यू माइनस वन टी, तो ये हो गया, और म्यू माइनस वन टी ये हो गया, तो कुल पथांतर कितना हो गया टू म्यू माइनस वन टी। तो उसमें लिखो जिससे पथांतर टू म्यू माइनस वन टी उत्पन्न होता है यहाँ तक लिखो। जैसे ही ये प्लेट रख दी फ्रिंजें बनना बंद हो जाएगी क्योंकि पथांतर उत्पन्न हो गया, अब वापस फ्रिंजें बनाने के लिए क्या होगा दर्पण को किसका ना पड़ेगा, फ्रिंज प्रतिरूप दोबारा से बनाने के लिए दर्पण M1 को x दूरी पर
किसका ना पड़ेगा, किस कहते हैं, अतः पथांतर क्या हो जाएगा, टू म्यू माइनस वन टी टू एक्स टू म्यू माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स। यहाँ से देखो टू से टू कैंसिल आउट, टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया आपका एक्स म्यू माइनस वन, ये तो आ गई मोटाई। अपवर्तनांक ज्ञात कैसे करेंगे, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा आपका म्यू टी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से टी ले लो कॉमन, म्यू माइनस वन एक्स म्यू माइनस वन एक्स अपॉन टी, तो म्यू आ जाएगा आपका वन प्लस एक्स अपॉन टी, वन प्लस एक्स अपॉन टी, यह आपका अपवर्तनांक आ गया। यह आपकी फिल्म की मोटाई आ गई पारदर्शी फिल्म की, और यह आ गया अपवर्तनांक। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंप्लीट हो गया। इसके तीन एप्लीकेशन थे, पहला वेवलेंथ निकालना, दूसरा कोई भी जैसे पारदर्शी प्लेट है या पारदर्शी फिल्म है उसका अपवर्तनांक व उसकी मोटाई निकालना, और तीसरा है दो स्पेक्ट्रल लाइनें हैं उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच में अंतर निकालना। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख लो माइकलसन व्यतिकरणमापी एक्सपेरिमेंट है और जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है उनमें अंतर। हेडिंग डालो न्यूटन फ्रिंजों व माइकलसन व्यतिकरण मापी की फ्रिंजों व माइकलसन व्यतिकरण मापी फ्रिंजों में अंतर, व्यतिकरण मापी फ्रिंजों में अंतर, न्यूटन फ्रिंजों व माइकलसन व्यतिकरणमापी फ्रिंजों में अंतर। अंतर के आपके ऑप्टिक्स में पांच क्वेश्चन है, पांचों में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल एक क्वेश्चन अंतर का आता है। पहला तो ये हो गया माइकलसन व्यतिकरणमापी फ्रिंजे और न्यूटन फ्रिंजों में अंतर। दूसरा हो जाएगा विवर्तन, जो नेक्स्ट टॉपिक है, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर। तीसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन में अंतर। पांच क्वेश्चन है टोटल, तो लिखो इसमें, इधर तो लिख लो आप न्यूटन न्यूटन फ्रिंजे या न्यूटन वाले फ्रिंजे, न्यूटन फ्रिंजे ही कर दो, न्यूटन फ्रिंज इधर कर लो आप, माइकलसन फ्रिंज लिखो इसमें पहला, ये फ्रिंजे वायु की फानाकार फिल्मों से बनती हैं, वायु की फानाकार फिल्मों से बनती हैं, फिल्मों से बनती है, या ये फ्रिंजे वायु की फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण से बनती हैं, फिल्मों में व्यतिकरण से बनती हैं, फिल्मों में व्यतिकरण से बनती हैं, फिल्म में कर लो, फिल्म में व्यतिकरण से बनती हैं,
ये कैसी है? वायु की वास्तविक और कर लो, वास्तविक। ये माइकलसन व्यतिकरण मापी काल्पनिक वे सम मोटाई की, ये फ्रिंज है। वायु की काल्पनिक सम मोटाई की, सम मोटाई की फिल्म में व्यतिकरण से बनती है, यह तो ऐसी से बनती है, ये पानाकार फिल्मों से बनती है। इसमें लिखो केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक शून्य होता है, शून्य होता है, यानी केंद्रीय फ्रिंज काली एडिप्ट यहाँ केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक अनंत होता है। अभी बताया था ना अंदर जाती है, केंद्रीय फ्रिंज का क्रमांक अनंत होता है, केंद्रीय फ्रिंज चमकीली यानी ये वाली ऐसी बनती है, यहाँ पर ये बीच की काली ऐसी बनती है। ब्लैक यहाँ एन में वृद्धि करोगे, एन के मान में वृद्धि करते हैं तो त्रिज्या में वृद्धि होती है, एन के मान में वृद्धि करने पर त्रिज्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। यानी देखो यहाँ क्या होता है, एक दो तीन चार ऐसे चलता है, पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज और चौथी फ्रिंज। उधर क्या होगा, एन के मान में वृद्धि करने पर त्रिज्या के मान में कमी होगी, एन के मान में वृद्धि करने पर त्रिज्या में कमी होगी, त्रिज्या में कमी होगी। इधर 1, 2, 3, 4 अनंत ऐसे चलता है, तो एन का मान बढ़ाएंगे तो त्रिज्या कम होती जा रही है। चौथा लिखो, चौथा है आपका इन फ्रिंजों को फिजो फ्रिंज कहते हैं, फिजो फ्रिंज, फिजो फ्रिंज कहते हैं। इनको कहेंगे हैंडिजर या सम आनत मोटाई की फ्रिंजें, हैंडिजर फ्रिंजें। लास्ट टाइम माइकलसन ने दूरदर्शी से देखते हैं इनको, देखते हैं दूरदर्शी से देखते हैं इनको, दूरदर्शी से देखते हैं
इनको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, इनको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, और जो माइकलसन फ्रिंजे होती हैं उनको दूरदृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, जो आपका इंटरफेरेंस था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट है डिफ्रेक्शन, वो कल स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करना।